मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने शरद पवार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, पवार का बयान रामद्रोही है, ये बयान पीएम मोदी के खिलाफ नहीं भगवान राम के खिलाफ है। उमा भारती सीहोर पहुंची थी, वहां उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटे पीएम राम मंदिर के शिलान्यास में पहुंच जाएंगे तो कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। पीएम वे व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, आज तक कोई छुट्टी नहीं ली, हवाई जहाज में भी वे काम करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, फाइल वर्क करते हुए जाएंगे और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। मुझे लगता है शरद पवार का बयान रामद्रोही है, यह मोदी जी के खिलाफ नहीं भगवान राम के खिलाफ है। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस, तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं, आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे, 2 घंटे भगवान राम के नाम पर दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।